नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। आगरा में कार और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में 5 की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। टेम्पो में महिला बच्चों समेत 9 लोग सवार थे। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके लगे हैं। आज सुबह 7:38 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिश्टर स्केल पर 4.7 रही। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दिल्ली में कीमत 1,771 रुपए से बढ़कर अब 1,780 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद के साथ 5 घंटे के मैराथन बैठक की मीटिंग की। इसमें प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि पंक्ति में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक यानी समाज के निचले हिस्से तक केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा किस तरह से पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के ऊपर कार्रवाई की है। आगामी लोकसभा चुनाव सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। पहली बैठक पटना में हुई और अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हैदराबाद जाकर तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन देने का फैसला एनसीपी के विधायकों और पदाधिकारियों का फैसला है और कोई हमारा निजी फैसला नहीं है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में फायरिंग हुई है। खबर है कि 8 लोगों को गोली लगी है। संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिली है कि 8 में से 4 की मौत हो गई है। फिल्म एक्ट्रेस रेखा दिन गुजरने के साथ और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। 68 साल की रेखा की फिटनेस लाजवाब है। अब रेखा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि रेखा वो अरेबिया के कवर पेज पर नजर आई है। खास बात यह है कि कवर पेज पर रेखा एक तस्वीर में सिंदूर लगाए भी नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल जल्द ही फिल्म गदर 2 में नजर आने वाली है, लेकिन एक्ट्रेस ने फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल शर्मा पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए हैं। अमीषा का कहना है कि प्रोडक्शन कंपनी ने अभी तक कई लोगों का बकाया नहीं चुकाया है। यदि आज की टॉप 10 खबरें, खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।